टी और जेबीटी भर्ती बहुत सारे व्यूअर बार बार इसके बारे में जानना चाहते हैं और उसकी वजह यह है कि सरकार से मई में अप्रूव हुई हैं पोस्टें और ये 5800 से ज़्यादा हैं लेकिन अभी तक भर्ती शुरू नहीं हुई है। जो सरकार से या एजुकेशन डिपार्टमेंट से पता चला है अभी तक ये फाइल अभी भी सचिवालय में है, इसको भेजा नहीं है। सबसे बड़ी वजह बीच में पहले तो थी कि कॉन्ट्रैक्ट के जो नियम थे उनको चेंज करने की बीच में बात थी। अब पिछले दिन कैबिनेट में केस गया था कॉन्ट्रैक्ट के नियमों को लेकर लेकिन उसमें अभी कैबिनेट की प्रोसीडिंग नहीं आई है, तो जब प्रोसीडिंग आएगी तो पता लगेगा कि उसमें क्या चेंज हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो अब बाकी क्लैरिटी हो गई थी उसमें सरकार से रिक्विजिशन लोक सेवा आयोग को जानी है वो अभी नहीं गई है और इसी कारण ये भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। टीजीटी में बैच वाइज से शुरुआत होगी और बैच वाइज का ही इंतजार मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। जहां तक जेबीटी की है तो जेबीटी में सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ गया है जेबीटी बनाम बीएड के केस में और एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर ने कल बताया था कि अपने लेवल पे डायरेक्टरेट में मीटिंग उनकी होनी थी आज, वो शायद नहीं हो पाई होगी लेकिन वो एक दो दिन में हो जाएगी। उसके बाद ये मामला लॉ के माध्यम से सरकार को भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आधार पर, फिर जेबीटी की भर्तियों का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को इसी तरह से आप कोरिलेट रखिए। इसमें जेबीटी 2500 के आसपास भरे जाने हैं और इससे पहले जो सितंबर में एडवर्टाइज हुई थी पोस्टें टीजीटी की भी उसमें थी जो हमीरपुर आयोग से हुई थी, वो ऑलरेडी लोक सेवा आयोग को चली गई हैं। सब्जेक्ट है वो है क्लास 3 की भर्तियों को लेकर जो कल बैठक हुई थी शाम को जिसके बारे में सरकार ने आज प्रेस नोट दिया दीपक सानन कमेटी की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट पर। ये प्रारंभिक रिपोर्ट है, फाइनल इसको नहीं माना जा सकता लेकिन इस रिपोर्ट पर कार्मिक विभाग और बाकी लोग भी इसमें थे, मुख्य सचिव इस बैठक में थे और इसमें ये डिसीजन अभी तक ये हुआ है कि कार्मिक विभाग ने तो सीएम के सामने यही कहा कि हम पहले फाइनल रिपोर्ट का इंतज़ार करेंगे, जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ये देखेंगे कि अब इसमें क्या चीज़ें डूएबल हैं क्या नहीं हैं और कुछ चीज़ें फाइल पर भी जो सरकार की तरफ से बताई गई हैं वो अलग से लगी हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ एक जो महत्वपूर्ण मामला है वो ये है कि जो प्राइमरी रिपोर्ट है उसमें सीबीटी के लिए जो सीडैक है उससे बातचीत शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं कार्मिक विभाग को। अब ये सेक्रेटरी करेंगे कोई और करेगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बैठक के बाद कहा कि नई भर्ती एजेंसी पर राज्य सरकार जल्दी नोटिफिकेशन जारी करेगी और इस नोटिफिकेशन के बाद फिर ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ये बात अभी तक कही गई है। अब इस नोटिफिकेशन का इंतजार कर लेते हैं, वैसे फाइनल रिपोर्ट के बाद ही नोटिफिकेशन होगी, पहले तो हो नहीं पाएगी। लेकिन दो तीन चीजें इसमें आ रही हैं। पहली बात ये कि सीडैक को ये एग्जाम देना, क्योंकि भारत सरकार की एजेंसी जरूर है लेकिन वो एक तरह से आउटसोर्स के आधार पे काम करती है, उनके पास जो मैन पावर है वो भी आउटसोर्स की है तो उन पे कितना भरोसा आप कर सकते हैं सिक्रेसी के मामले में। दूसरा, हमारे यहाँ जो बहुत सारे लाखों आवेदक होते हैं उनको कैसे मैनेज करेंगे वो भी एक बात है। लेकिन फिलहाल ये कहा गया है कि सीडैक को से बात शुरू करें, जब बातचीत शुरू होगी तो हम आपको आगे अपडेट इसका देंगे। लेकिन जो दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट है उस पर कुछ सीरियस ऑब्जेक्शन कार्मिक विभाग को हैं, उन ऑब्जेक्शंस को फाइल पे दर्ज किया गया है। जब डिसीजन के टाइम की बात आएगी अगली कैबिनेट में या जब भी इस पे बात होगी तो फिर उस वक्त पता लगेगा कि ये किस तरह से इसमें किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने जरूर कहा है कि भर्ती प्रक्रिया को या भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको तेज करने के लिए राज्य सरकार जल्दी नई एजेंसी बनाएगी, ये बात इसमें क्लियर हो गई है। पटवारी स्टेट कैडर, देखिए पटवारी कभी